उधर हरियाणा के आवाजाई मंत्री देवयंत ने हरियाणा रोडवेज वर्करा च रोष पैदा कर दिता है। आवाजाई मंत्री राम बिलास ने बयान दिता है कि सरकारी बसा प्राइवेट कंपनी के नाल मिलकर चलाईया जाएगी। राम बिलास के इस बयान तो बाद रोडवेज वर्कर यूनियन ने एक मीटिंग करके 22 जुलाई को आवाजाई मंत्री का घिराव करने का ऐलान कर दिता है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दोष लाया कि सरकार अपने चहेतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अजिहे लोक विरोधी फैसले कर रही है। ऑल हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी 3 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन में है। हम सरकार को अपना मांग पत्र भी दे चुके हैं, सुझाव पत्र भी दे चुके हैं और उसके बाद सरकार के बातचीत न करने के बाद हम करनाल के अंदर सी एम हाउस का घेराव भी कर चुके हैं। जिस दिन हम 30 मई को सी एम हाउस घेराव किया था उस टाइम हमारे को आश्वासन मिला था वहाँ से कि हम जल्दी जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी मीटिंग बुला करके आपकी सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे, लेकिन सरकार अपनी वादा खिलाफी उतर करके बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। आज तक सरकार ने जो है किसी प्रकार की भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी कोई मीटिंग नहीं बुला करके सरकार यूनियन से कोई बातचीत नहीं की आज तक भी। कल जैसे बयान आए थे परिवहन मंत्री जी के कि हमने यूनियन से 6 घंटे बात करी, वो बिल्कुल श्रेयम झूठ बोल रहे हैं और जनता को धोखे में डाल रहे हैं। आज तक यूनियन से कोई बातचीत नहीं हुई है परिवहन मंत्री की, जो उन्होंने बयान बिल्कुल गलत बयान है। खबरों की दुनिया में जाओ साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।